Sahni. No. Your time starts now. Honorable Chairman, sir, I would like to raise a very important issue which has been a heartburn for the Sikh community since decades, because justice delayed is justice denied. As you are aware, there is an ongoing political and legal movement in Punjab at large to seek remission of life sentences handed to Sikh political prisoners, which were predominantly during militancy area. The issue is complex and multifaceted, one rooted in historical, political and legal considerations. At the heart of the matter are the cases of individuals who were arrested and imprisoned in connection with various incidents during militancy in Punjab. Sikh kaidiyon ko lamba samay jail mein rakhne se Bharatiya nyay pranali ki nirpekshta par chinta ho rahi hai, because justice delayed is justice denied. Main aapka dhyan dilwana chahta hu कि बिल्किस बानो केस में 15 साल की कंप्लीशन पे ही घिनौना जुर्म करने वाले अपराधियों को रिहा कर दिया गया. श्री राजीव गांधी जी के असैसिनेट्स को भी 30 साल के बाद फ्री कर दिया गया. घिनौने जुर्म करने वालों को फ्रीक्वेंट पेरोल भी दी जा रही है आपके सामने. तो ये हम्बल सबमिशन है कि देर शुड बी यूनिफॉर्म नेशनल लेवल पैरामीटर और पॉलिसी, क्योंकि भारत एक देश है, देश के प्रांतों में डिफरेंट पॉलिसी नहीं हो सकती कि कोई 15 साल घिनौना जुर्म करके 15 साल में ही रिमिशन हो गई कोर्ट में, और वाइल डिसाइडिंग द प्री मेच्योर रिलीज, सो दैट यूनिफॉर्मिटी शुड बी मेंटेन्ड. चेयरमैन सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन कि 11 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार की तरफ से कुछ प्रिजनर्स को रिहा करने की सर्कुलर निकाला गया, और बहुत से ऐसे ये लोग मानसिक तौर पर गंभीर बीमारियों का शिकार हैं. उसमें सरदार गुरदीप सिंह खेरा, दविंदर सिंह भुल्लर, बलवंत सिंह राजोना, जिनकी डेथ सेंटेंस ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो गई है एज पर द लेटर विच आई एम लेइंग ऑन द टेबल ऑफ द पार्लियामेंट 11 अक्टूबर 2019, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई. तो ये बंदी सिक्स जो हैं, पंजाब में एक मूवमेंट चल रही है पंजाब की शांति के लिए, सद्भावना के लिए. ये बहुत ज़रूरी है कि जिन सिख बंदियों ने 30 साल 32 साल गुजार लिए हैं, उनका कंडक्ट ठीक है, और इसमें मैनी ऑफ देम आर फेसिंग सीरियस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थनेस, तो रिलीज ऑफ बंदी सिख्स विल बी ए नेसेसरी स्टेप इन एड्रेसिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस एज मीन्स ऑफ फोस्टरिंग रिकन्सिलिएशन एंड सोशल हीलिंग इन पंजाब. मैं भारत के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जी को प्रार्थना करता हूं कि एक जल्दी हाई पावर्ड कमेटी बना के इन केसेस का रिव्यू करके इनका निर्वाण किया जाए. जो बंदी सिक्स 30 साल से वहां है, सूरा सो पहचानी है, जो लड़े दीन के हेत पुर्जा पुर्जा कट. समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है. माननीय विक्रमजीत सिंह सहनी जी.